श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक प्रश्न किसी ने लिखा, उन्होंने कहा कि पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए। तो जिन्होंने लिखा कि पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए, तो हम उनसे पूछेंगे कि मरना कौन से महीने में चाहिए। जब मरने का कोई सीजन नहीं होता, मरने का कोई दिन नहीं होता, मरने का कोई समय नहीं होता, मरने का कोई पल नहीं होता, मरने की कोई घड़ी नहीं होती, तो पशुपति व्रत कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारे चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। कितने व्रत? 5। कितने दिए? 6। प्रसाद के 3 हिस्से, 2 हिस्से मंदिर में, 1 हिस्सा। हम तो लोगों से कहते हैं आडंबर में पढ़कर व्रत मत करना। कोई ने कह दिया कि उस दिन तो केवल मीठा ही मीठा खाना चाहिए, तो वो महाराज को तो पकड़ के ला जिसने कहा। हमने सुना है कि रविवार को किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो पशुपति व्रत नहीं करना। आप ही ने लिखा था, पहले तो उसको पकड़ लो जितने खाने से मना करता। कुछ नहीं करना, सुबह के समय पर थाली लेकर जाओ, शंकर भगवान का पूजन कर करो, अभिषेक पूजन करो, सारा पूजन करने के बाद थाली वापिस लेकर आ जाओ। उसी थाली को शाम के समय लेकर जाओ, शाम को फिर थोड़ा सा बाबा को समर्पित करने के लिए कुछ मीठे का प्रसाद, जिसके 3 हिस्से हो जाएं, 6 दिए घी के बाबा को समर्पित करने के लिए लेकर जाएं, भगवान को बेलपत्र समर्पित करने के लिए लेकर जाएं, प्रेम से बाबा का स्नान पूजन सब कराकर शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष समय में कर प्रसाद जो बनाकर ले गए हो उसके 3 हिस्से कर लो, 2 हिस्से मंदिर के अंदर ही रख देना है, 1 हिस्सा अपनी थाली में वापिस लेकर आना, 1 दिया लेकर आना, उसको वहां से जलाकर नहीं लाना। 5 दिए मंदिर में जला दीजिए। जब दीप 5 पंचानंद भगवान शिव के लिए समर्पित कर रहे हो, तो 5ों दिए जलाते समय पहले दिन ही अपनी कामना कर लेना कि मैं इस कामना से पशुपति व्रत कर रही हूं। बाबा आप इसे स्वीकार करना। पशुपति व्रत जिस मंदिर पे पहला व्रत होता है उसी मंदिर पर 5ों व्रत होते हैं, मंदिर नहीं बदला जाता। अगर मायके जाना है तो वापिस आकर करो, पर पशुपति व्रत ये नहीं कि मैं मायके में एक कर लूंगी या वहां जाकर एक कर लूंगी, ऐसा नहीं होता। जैसे संकट सोमवार 16 सोमवार होते हैं ना, संकट सोमवार 16 सोमवार का भी व्रत का ऐसा महत्व रहता है कि जिस घर में करा है उसी घर में करना होता है। ये नहीं कि किराए के मकान में रह रही हूं तो मैंने किराए का मकान बदल लिया है, अब बदला हूं मकान में पहुंच गई तो एक व्रत वहां कर लूंगी, नहीं नहीं, उद्यापन तक उस मकान में तुम्हें रहना पड़ेगा जिस मकान में तुम रह रहे। तो व्रत का मतलब। अब पशुपति व्रत के अंतर्गत शाम को 5 दिए 1 दिया जलाकर प्रज्वलित करना है आपको, कहां जब प्रसाद लेकर बाबा को निवेदन कर अपने घर पर जब आएंगे, आने पर दरवाजे पे प्रवेश करेंगे, मुख्य द्वार में जब प्रवेश करें उसी के राइट भाग में आप बैठकर अपने घर की ओर मुख कर बड़े प्रेम से उस दिए को समर्पित कर दें। बाबा से विनती करें कि बाबा ये दीप मैंने केवल आपके लिए जलाया है कि आप इस मेरे मार्ग को सुलभ करें, मेरे घर की जो बांधा है, जो भी मेरे मन की इच्छा है उसको पूर्ण करें। बाबा को निवेदन कर प्रसाद लेकर घर में प्रवेश कर जाएं। सुबह के समय जब आप फलार कर लें, शाम के समय आप भोजन कर लें। भोजन कब करना? जब 1 भाग प्रसाद का लाएंगे, उस प्रसाद में से किसी को नहीं देंगे, वो प्रसाद पहले आपको खाना है, उसके बाद भोजन ग्रहण करना है। नमक दोनों समय खाओ, कोई मना नहीं, फलार में भी खा लीजिए, शाम को भी खा लीजिए, कोई चीज की मना नहीं, बस बाबा का स्मरण करो। 5 व्रत पूर्ण हो जाए
छठे व्रत में कुछ भी 108 सामग्री लेकर जाओ, चाहे मूंग लेकर जाओ, चाहे चावल लेकर जाओ, चाहे बेलपत्र लेकर जाओ, चाहे 108 मखाने लेकर जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो लेकर जाओ, 108 पुष्प ले जाओ, श्वेत पुष्प ले जाओ, रक्त पुष्प ले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े पर 108 लेकर जाइए। शाम के समय पर जब आप पूजन कर लें, पुष्प समर्पित कर दें 108, तब एक श्रीफल 11 रुपए बाबा के चरणों को समर्पित कर दें, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। मुझे विश्वास है 5 व्रत भी पूरे नहीं होंगे, 2 या 3 व्रत में ही बाबा आपका कार्य कर देगा। पर प्रेम से करना, विश्वास रखकर करना, भरोसा रखकर करना, अहंकार नहीं। जितने पशुपति व्रत करो आप, उसमें अभिमान को त्याग दो। शंकर जी के दरवाजे पर अगर सुबह जाओ ना, तो पहले अहंकार छोड़ कर जाइए। पशुपति व्रत आप जब करें, भगवान शिव को 5 व्रत हैं, बीच में कोई बांधा आ भी जाए उसको छोड़ दो, अगला करें। पर करो जरूर। दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो पशुपति व्रत से नहीं हुआ? ना जाने कितने लोग पशुपति व्रत को करे होंगे, और बाबा ने 1 व्रत में, 2 व्रत में, 3 व्रत में, 5 व्रत में कुछ ना कुछ तो दिया होगा। अगर बाबा मान लो तुम्हारी कामना पूर्ण नहीं भी करता, तो मन की शांति